हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। पुलिस इंस्पेक्टर कुटे पुलिस स्टेशन है, ये मच्छी बाजार नहीं है। क्या बात है? देखिए सर, देखिए साला, कंप्लेंट लिखाने सगड़ा चुप। कोई एक ही बोलेगा, आप बोलिए। हम हमारा जुर्म कबूल करने के लिए आए हैं। वो साहब, वो हमने सबने मिलके खून किया है। खून किसका? मेरे बेटे प्रकाश का। नमस्कार, आदाब। क्राइम पेट्रोल डायल 100 में आप सबका स्वागत है। ऐसा कहते हैं कि प्यार परिवार को एक करता है, अपनापन रिश्तों को नजदीक लाता है, एक दूसरे से जोड़ता है। लेकिन क्या ऐसा भी हो सकता है कि एक कत्ल एक परिवार के सभी सदस्यों को एक साथ जोड़ दे? कत्ल का इल्जाम किसी दूसरे पर डालने वाले तो बहुत देखे होंगे आपने। ऐसे कई वाकयात देखे होंगे जहां लोग खून के रिश्तों को भुलाकर अपने आप को बचाने के लिए अपने सगे संबंधियों तक को सूली पर चढ़ा देते हैं। लेकिन वर्सोवा पुलिस स्टेशन में आए इस केस ने अब तक की सारी संकल्पनाओं को चूर चूर कर दिया। एक परिवार एक ही सुर में अपने अपराध की स्वीकृति दे रहा था। का मारलस भांडन साहब? पहले एक दूसरे के साथ झगड़ा शुरू हुआ, बात से बात बढ़ गई और फिर ये। सर एक मिनट, झगड़ा भले ही सबके साथ हुआ हो लेकिन दादा को मैंने मारा। मैंने शायद खोटा बोलते हैं, वैशाली तूने तो सिर्फ दादा के हाथ पकड़े थे, चाकू मेरे हाथ पे था, मैंने मारा है दादा को शायद। नहीं साहब, चाकू इसके हाथ में था लेकिन पीछे से धक्का तो मैंने मारा था, तभी तो चाकू उनके पेट में चला गया। मेरी गलती है साहब, अब मुझे जेल में डाल दीजिए। नहीं मार ले, नहीं मार ले प्रकाशला, मेरे को जेल में डालो। नहीं मार ले प्रकाशला, मी प्रकाश से मार ले, मेरे को जेल में। गाड़ी भी सब चल गए, हर कोई उठकर बोल रहा है कि मैंने मारा, मुझे अंदर करो। किसने क्या किया है ये तो हम पता कर लेंगे। सबसे पहले ये बताओ, ये हादसा कब हुआ और बॉडी कहाँ है? सर समुद्र के किनारे हमारी नाव है, 65 नंबर की। एक काम करा, आजूबाजूला काही मिळते का ते बघा। अरे मल्टीपल स्टैबिंग है, कि जान जाने तक इसको मारा? सर आदमी हटाघटा है, शायद इसीलिए सबने मिलके मारा होगा। कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है ये तो पता चली जाए, लेकिन एक बात तो पक्की है, यहाँ काफ़ी चीज़ें बिखरी हुई हैं। इसका मतलब है कि खून होने से पहले काफ़ी बड़ा झगड़ा हुआ है। सर ये मिला है? सर शायद यही मर्डर वेपन है। साहब बराबर, यही चाकू लेके मैं घर से बाहर निकला था साहब। ओ बाबा, कशाला खोटा बोलता है। अरे पर नहीं साहब, चाकू मैं लाई थी, मेरे हाथ में। नहीं साहब, मैं चाकू लेके आया हूं। अरे बाबा, अरे बाबा, अरे बाबा, एकदम चुप। अरे इनके फिंगरप्रिंट्स ले लो। साहब हम लोग अपना गुनाह कबूल कर रहे हैं ना, हम कोर्ट में बताएंगे कि हमने मारा है। कोर्ट में सेल्फ एक्सेप्टेंस नहीं चलता है, पक्के सबूतों की जरूरत पड़ती है। फिंगरप्रिंट्स देने के बाद आप लोग अपने घर जाएंगे और इनके घर पे पहरा रखो, जब तक फिंगरप्रिंट्स की रिपोर्ट नहीं आ जाते इनमें से कोई घर से बाहर नहीं निकलेगा। जाइए अभी आप। अरे जरा इन्फॉर्मेशन निकालो इनकी फैमिली में और कौन कौन है। ओके सर।
अंदर तो आने दे पहले। वो देख दो दो पुलिस वाले छोड़े हमारे पीछे। चल अंदर चल। जरूरी बात करनी है। अजूबा आपके साथ बाबा आने वाले थे ना, वो कहाँ है? आलती आ गया। देखो ध्यान से सुनो, पुलिस की तहकीकात शुरू हो चुकी है। गवाह ढूंढेंगे, सबूत इकट्ठा होंगे, हम में से हर एक को तोड़ने की कोशिश होगी, पर अपन खट्टा रहे सर। मैं अभी जो बोल रहा हूँ ना वो फाइनल, ये खून हम सब ने मिलके किया है। लक्ष्मी सभी तो को सब बाद में समझा देना, आया ध्यान में? बार बार नहीं बोलूंगा मैं। सर नाकवा परिवार में पीताम्बर है और उसकी बीवी है, सबसे बड़ा बेटा प्रकाश और उसके बीबी का नाम सविता है, मझला बेटा प्रताप और उसके बीबी का नाम मालती है। मालती? लेकिन वो तो पुलिस स्टेशन आई नहीं थी, तो निशा कौन? पीताम्बर का सबसे छोटा बेटा जिसका नाम रुपेश है, निशा उसी की बीबी है, विधवा है। कुछ ही साल पहले एक हादसे में रुपेश की मौत हुई। बड़ा परिवार और बड़ा शातिर भी। सर आपको क्या लगता है इन सब ने मिलकर यह खून किया होगा? अरे इस वक्त कुछ भी कॉन्फिडेंस से कहना थोड़ा मुश्किल है। ये दो पॉसिबिलिटीज है, एक तो ये कि विक्टिम ने सबके साथ दुश्मनी मोल ले ली और इसी वजह से सबने मिलके उसे मार दिया, या फिर खून किसी एक ने किया है और ये सारे मिलके उसे बचाने में लगे हो। क्योंकि सबको लगता है कि जो हुआ है वो सही हुआ है। वैशाली सर, चाकू के ऊपर जो निशान मिले हैं वो वैशाली के फिंगरप्रिंट से मैच करते हैं। सर पीएम रुको, ये कैसे हो सकता है? क्या हुआ? सर जितना हम सोच रहे हैं ये फैमिली उससे कई ज्यादा शातिर निकली। मतलब? सर खून चाकू से हुआ ही नहीं है, हाफ राउंड वाले वेपन से हुआ है। हाफ राउंड वेपन? खून कोयते से हुआ है। सारा परिवार झूठ बोल रहा है। प्रकाश का भाई, बाप, बहन या भाभी, इनमें से गुनहगार कौन है? अब हमें ये ढूंढना है। घर का बड़ा बेटा मारा गया था और हर कोई मर्डर का इल्जाम अपने सर पर लेना चाहता था, यहां तक कि मर्डर वेपन की पहचान भी होती है और फिर पता चलता है कि कत्ल उससे हुआ ही नहीं था। क्या था ये सब? नाकवा परिवार झूठ क्यों बोल रहा था? किसको बचाने की कोशिश हो रही थी? हमारा कानून कहता है कि चाहे 100 गुनहगार छूट जाएं, लेकिन किसी बेगुनाह को सजा नहीं होनी चाहिए, और वर्सोवा पुलिस ने इसी नियम के तहत इन्वेस्टिगेशन करने का फैसला किया। सच आप लोग बोलेंगे या हमें बुलवाना पड़ेगा? हमने तो बता दिया ना साहब, झगड़ा हुआ था करके बात हाथापाई तक पहुंची, फिर खून तक। किस चीज से खून हुआ? वही चाकू से, आप ही ने तो दिखाया था ना वो चाकू। पुलिस को बेवकूफ समझा है, खून उस चाकू से नहीं हुआ बल्कि कोयते से हुआ है। साहब ये झूठ है। झूठ तुम लोग बोल रहे हो, पोस्टमार्टम रिपोर्ट कभी झूठ नहीं बोलती। दरअसल सर नहीं, असल कदाचित कोयते से भी हो सकता है ना। हो सकता है। नहीं क्या हुआ ना साहब, उस दिन सब गुस्से में थे, जिसके हाथ में जो चीज लगी वो उठा के सब ले रहे थे। हो सकता है चक्कू से पहले कोयता हाथ लग गया हो। जो भी हो साहब, हम तो इतना जानते हैं कि बस ये खून हम ही नहीं किया है बस। ठीक है जाओ। सर आपने सबको छोड़ दिया? अरे इनमें से कोई भी नहीं टूटेगा, इन सबकी कुंडलियां हमें निकालनी होगी। जब इनका सबका कच्चा चिट्ठा हमारे हाथ में होगा ना, तब इनको तोड़ने में आसानी होगी। ओके सर। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से कत्ल दोपहर 1 से 2 के बीच हुआ था। पोलीवाड़ा में इंक्वायरी करो, सारे फैमिली मेंबर्स के बारे में इंफॉर्मेशन निकालो। प्रकाश आखिर था कौन? तब तक मैं जरा इनकी मेहमान नवाजी देखता हूँ। ओके सर। बाबा का फोन नहीं लग रहा, अपने रात को कहा था ना कि बाबा आएंगे, अब तक क्यों नहीं आए? तेरे पापा बहुत दूर गए मच्छी पकड़ने।
आने में थोड़ी देर लगेगी ना। अभी तू स्कूल जा, हाँ? जैसे ही मेरी बात होती है ना मैं बोल दूंगी, जल्दी घर आ जाए, बंटी वाट बोलते हाँ। चल अब ऑटो आ गई। पुलिस के सामने क्या बोलने जा रही थी तू? सच्चाई बता रही थी, लेकिन आपने तो बात ही बदल डाली। अरे वेड़ी झलिस का तू, हम सबने मिलके क्या तय किया है? कदी भरन दे बाबा, आखिर कब तक हम लोग पुलिस को झांसा देते रहेंगे? एक ना एक दिन सच्चाई सामने आने ही वाली है। ऐसा कहीं होना नहीं है, अपने अपने मुंह पे ताला मार के रखो, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। बाबा शवागर से फोन था, बॉडी क्लीन करने को बुलाया। साला मजबूरी है, समाज में रहना है ना, दिखावे के लिए ही सही वो लाश का कब्जा करना पड़ेगा, नहीं तो छोड़ देता सड़ने के लिए। बाबा बाहर पुलिस आई है। हाँ साहब, नहीं जमती थी उसकी और मेरी, अब मेरे को देखो कितना हट्टा कट्टा दिखता हूँ, और भी 10 साल तक काम करने की धमक है मेरे को, लेकिन उसने मुझे घर में बिठा दिया और सारी चीजों में अपना हक जमा दिया। ए पक्या, ए भाई रे, ए पक्या, क्या आज सुबह सुबह गला फाड़ रहा है? ए चुप, तू कोली संगठना के ऑफिस में गया था, वहां जाके इलेक्शन से मेला नाम हटा के खुद का नाम डलवा लिया तूने? हाँ गया था, तो तू लायक है क्या उस पोस्ट के? अहिला तेरे को क्या लगता है तू लायक है? लायक तो तू ही नहीं है, ना वो पोस्ट के और ना ही मेरा बाप कहलाने के। तेरी तो ना मेरे से डांट, तुम क्या गोली वाला, डरता है मेरे से और तू हाथ उठाए मेरे पे? अरे फोड़ फोड़ फोड़, अरे बुढ़िया आज से अभी से ये घर ये धंधा डिसीजन सब मेरा, और तू इधर घर पे बैठ और रोटी तोड़। यही वजह थी जिसलिए आपने उसे? नहीं नहीं, एक नहीं 100 कारण होती, और यही झगड़े उसके मौत के जिम्मेदार है, और बहुत नीच आदमी था वो, ना किसी की इज्जत करता था ना किसी के साथ ढंग से बात करता था, वही उसको ले डूबे है। आप में से किसी ने खून होते हुए देखा? नहीं साहब, खून होते हुए तो नहीं देखा, लेकिन हाँ वैशाली, निशा और मालती, ये तीनों को बोर्ड की तरफ जाते हुए देखा था साहब। और हाँ प्रकाश पहले से ही वहां पर था। और एक बात सर, उस दिन मुझे प्रकाश मिला था, बहुत भड़का हुआ था, वो अपनी बहन और उसकी यार को बहुत गालियां दे रहा था। वैशाली का कोई बॉयफ्रेंड भी है? हाँ साहब, हरीश नाम है उसका। ये प्रकाश उन दोनों को गालियां क्यों दे रहा था? ए, कहीं चल रहे प्रकाश? अरे तू जाले क्यों काट रहा है? अरे काटने का तो वो दोनों को है, वो वैशाली उसका यार हरीश है ना, वो दोनों को कितनी बार समझाया लेकिन दोनों के मगज में घुसता ही नहीं। हालात जात नहीं, औकात नहीं, चले नखबा से रिश्ता जोड़ ले। ये बार तो छोड़ दिया हरीश को मैं, पर अगर दोबारा मेरे को मिलाना वो दोनों साथ में दिखे ना तो काट के फेंक देगा मैं दोनों को। प्रकाश अरे अच्छा एक बात बताओ, ये वैशाली कैसी लड़की है? सुना है साहब, खरा सुना, अपने कोलीवाड़ा के गरीब बच्चों को वो मुफ्त में सिखाती है। चला आपने नोटबुक में लिया, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, आवाज इतनी है वाला। वैशाली का किसी के साथ कोई झगड़ा, कोई अनबन? नहीं साहब कभी नहीं, बस एक गलती उसने कर ली, दूसरे जात वाले लड़के से प्यार कर लिया, तब से प्रकाश ने तो उसका जीना ही हराम कर दिया साहब। कहीं ऐसा तो नहीं कि प्रकाश वैशाली को टॉर्चर कर रहा था, उसे उसके प्यार से दूर करने की कोशिश कर रहा था, इसलिए वैशाली ने उसे मार दिया और सब लोग मिलके वैशाली को बचाने की कोशिश कर रहे हैं? हो सकता है। आई विटनेस से पता चला है कि उस दिन वैशाली अकेली बोट पर नहीं गई थी, उसके साथ मालती और निशा भी थे, लेकिन मालती और निशा वैशाली के साथ क्या कर रहे थे? ये भी हो सकता है कि इन सब ने मिलकर कत्ल की साजिश की हो और अंजाम अकेली वैशाली ने दिया हो। अरे इस वैशाली के कॉल रिकॉर्ड और मोबाइल लोकेशन निकालो,
और इसके प्रेमी हरीश को भी ट्रेस करो, पता करो इसमें कहीं उसका भी तो हाथ नहीं। ओके सर। दोपहर को 1 से 2 बजे के बीच में कहाँ था? शायद मैं पुणेला हो तो वो मेरा वर्कशॉप था ना, उसी को अटेंड करने गया था। तो कब गया था, कैसे गया था और कहाँ रुका था, इसके सारे डिटेल्स चाहिए मुझे। साहब मैं 14 तारीख को करीब 6:30 बजे सुबह बस से निकल गया था पुणे के लिए और दूसरे दिन सुबह ही वापस आ गया। शायद मेरे पास टिकट होगा सर। बगा सर 7:30 बजे। सर हरीश उस दिन वर्षों में था ही नहीं। अच्छा, अरे पीताम्बर और वैशाली के पास प्रकाश को मारने का मोटिव है, लेकिन बाकी किसी के पास ऐसा कोई मोटिव दिखाई नहीं दे रहा। जरा घर के बाकी लोगों का कच्चा छट्ठा निकालो, वैशाली प्रताप की बीवी मालती का, क्योंकि लोगों ने उसे बोट की तरफ जाते हुए देखा था, लेकिन वही है जो यहाँ पुलिस स्टेशन में नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं कि कातिल को घर पर बिठा के बाकी के सारे लोग यहाँ आ गए हों? ठीक है सर। मालती के बारे में कोई सस्पेशियस इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है। सभी का यही कहना है कि मालती का ज्यादातर वक्त उसके बेवड़े पति को संभालने में ही जाता है। हाँ, लेकिन पीताम्बर के बारे में एक अजीब बात सामने आई है। पिछले हफ्ते ही पीताम्बर के अकाउंट से किसी मनीष कोड़ी के अकाउंट में 50,000 रुपए ट्रांसफर हुए। मनीष कोड़ी कौन है? सर मैंने खबरी को काम पर लगा दिया है, कुछ ही घंटों में मनीष कोड़ी के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ये मनीष कोड़ी कौन? उसका पीताम्बर से क्या कनेक्शन? खून का रिश्ता है साहब। मतलब मनीष कोड़ी पीताम्बर नखवा का नाजायज औलाद है और यही बात पीताम्बर प्रकाश के झगड़े की असली जड़ भी है। वाह वाह वाह। ए मनिया, इधर मेरी बोर्ड पे क्या कर रहा है तू? ए आवाज नीचे, और तेरे को जो भी पूछना है ना तेरे बाप से जाके पूछ, उसी ने ये बोट मेरे नाम पे कर दिए। साले, रखी हुई औरत की औलाद को कोई कुछ नहीं देता, समझा? अपनी दुकान संभाल, नहीं तो मार डालूंगा यहीं पे। मारेगी साले मुझे, मनीष भी एक सस्पेक्ट हो सकता है, लेकिन एक नाजायज बेटे के लिए पूरी की पूरी फैमिली अपने आप को स्टेक पे लगा देगी, ये बात मुझे कुछ हजम नहीं होती। लेकिन सर नाथवा फैमिली ने ये बात हमसे छुपाई है, इसका मतलब है ये मनीष का एंगल भी इस खून से जुड़ा हुआ है। नाथवा फैमिली के एक दो नेबर्स को मार्केट के पीछे बुलाओ, बोलो साहब बात करना चाहते हैं। ठीक है सर। वैशाली वेड़ी जा रही है क्या तू? वही सोड मला जाऊ दे। काय झालं बाबा? ये पुलिस के पास जाने की बात कर रही है। पापा जाऊ दे मला। पागल हो गई है तू? अगर अपना प्लान कामयाब हो रहा है, आज तक पुलिस को अपने में से किसी के खिलाफ ना कोई सुराग मिला है ना कोई सबूत, तू खुद वहाँ जाके क्यों मुसीबत मोल ले? बाबा बर्दाश्त नहीं होता, दम घुटता है मेरा। ये रोज की तहकीकात, रोज का टेंशन, अब बस भी कर दो। जिन्होंने गुनाह किए वो सजा भुगते ना। चुप, किसी को कोई सजा नहीं मिलने वाली। जो जैसे चल रहा है ना वैसे चलने दे, समझी? नहीं खाऊंगा मैं, जब तक बाबा नहीं आते तब तक मैं कुछ भी नहीं खाऊंगा। हसन अब कोने करूं सोनिया, दोपहर से कुछ भी नहीं खाया है तूने, और भूखा रहेगा तो मर जाऊंगा, तो मरने दो। बाबा के हंसी में खाऊंगा। बाबा के हंसी
मर गया तेरा बाप, वो वापस नहीं आने वाला। वो फालतू का नाटक नहीं मांगता है, चुपचाप गाना गा ले तू। आप लोग कितने साल से प्रकाश के बाजू में रहते हैं? जन्म से सर। अच्छा, ये प्रताप के बारे में कुछ बताओ। प्रताप एक नंबर का बेवड़ा आदमी, काम का ना धाम का, बस एक क्वार्टर लगाया और उस प्रकाश के साथ रह लिया। एक मिनट के लिए एक दूसरे से अलग नहीं होते थे। तुमने बताया कि प्रकाश बेवड़ा था, झगड़े तो होते होंगे उसके। तन के दिमाग का था साहब, लफड़े वफड़े करता था, नसीब उसने किसको लुड़काया नहीं। साहब मेरे साथ भी एक दिन झगड़ा कर लिया था, कोयता लेके मारने आया था मुझे। ए पटिया, काय जबरदस्ती है रे। हाँ, तूने चार दिन से मेरी जगह पे अपनी बोट खड़ी करके रखी है, चल पहले निकाल उसको। नहीं निकालेगा मैं, क्या कर लेगा तू? अरे बाप की जगह है क्या? और क्या, बाप पे मत जा, देखा बाप पे मत जा वरना। ए क्या वरना बे, हाँ क्या कर लेगा तू? जानता है मेरे को, काट के ना यहीं फेंक दूंगा, समझा? काटेगा मेरे को? हाँ काटेगा। तू क्या काटेगा रे बेवड़ा मेरे को? ए बेवड़ा किसको बोलते हैं? तेरे ऐसा चूहा लोग ना रोज मेरी जूते के नीचे आके मरता है। प्रताप को दारू की आदत उस प्रकाश ने लगाई। इसका मतलब है जिस वक्त प्रकाश का खून हुआ उस वक्त प्रताप वही होना चाहिए। मतलब शायद ये खून प्रताप ने किया हो सर। लेकिन जिसके वजह से उसके दारू का इंतजाम होता था, जो इसके इतने करीब था, वो उसके खिलाफ क्यों जाएगा? अरे गौर करने वाली बात ये भी है, प्रकाश को वैशाली के अफेयर से एतराज था क्योंकि उसका प्रेमी दूसरी जात वाला था, लेकिन रूपेश की बीवी निशा वो भी तो दूसरी जात से, ब्राह्मण है। सर मतलब प्रकाश को हरी से जिस बात से नाराजगी थी उसी बात से निशा से भी होगी। सर लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि अपने पति के गुजर जाने के बाद भी आज तक वो यही है, अपने मायके नहीं गई। अच्छा एक बात बताओ, प्रकाश के घर की छोटी बहू निशा के साथ संबंध कैसे थे? कशे असणार साहब, निशा ठेरी और जात की और प्रकाश पक्का कोई। ऊपर से निशा का पति गुजर चुका है और ये प्रकाश उसे अखा दिन ताने मारता था। एक दिन तो साहब पूरे मोहल्ले के सामने वाइता गाला है मेला नुस्ता, रोज पानी जाता है। अजून का है? हाँ मिलता हूँ। भाऊजी है का है? कितनी बार बोला मैं तेरे को, नाक पे पल्लू नहीं चाहिए मुझे। लेकिन मुझसे ये मच्छी की गंध बर्दाश्त नहीं होती है। अच्छा कोली लड़का पसंद है तेरे को, लेकिन कोली वाला से खिलाती है। भौजी सब सब देख रहे हैं। ये देखने दे, इधर रहने का है तो ये सब तेरे चौसले ही चलेंगे। एक मिनट, मैं आपकी वही नहीं हूँ, बीबी नहीं जो आप मुझ पे फालतू का हक जमा रहे हो। मैं नहीं मानने वाली। मैं मानेगी कैसे, नहीं भौजी हूँ तेरा। सुन, पूरे मोहल्ले के सामने तेरा पल्लू खींचा है सर, लेकिन अगर मेरी बात नहीं मानी ना तो ये साड़ी तेरे बदन से अलग कर दूंगा, समझ लस का है? पीताम्बर को इस बारे में पता था? पता नहीं साहब। अच्छा एक बात बताओ, निशा के पति को गुजरे हुए 3 साल हो, तो यहाँ ससुराल में क्या कर रहे हैं? अरे मायके क्यों नहीं? साहब कशी जाना है, प्रकाश उसे जाने दे तो ना। सुना है प्रकाश ने उसके मायके वालों को भी धमकी दे रखी है, इसके लिए उसके मायके वाले भी उसे घर नहीं आने देते, इसलिए निशा प्रकाश से बहुत गुस्सा थी। हेलो, मनीष कोड़ी के मोबाइल रिकॉर्ड्स और कॉल लोकेशन के डिटेल्स मिल गए। जिस दिन मर्डर हुआ उस दिन वो बोट के आसपास ही था। जिस दिन प्रकाश की मौत हुई तू कहाँ? अब मैं अपने घर पर ही था। अच्छा तो तेरा मोबाइल वो बोट के पास के पानी में तैरने के लिए गया था? साहब 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 मैं बोट के आसपास ही था साहब, लेकिन मैंने नहीं उसे मारा साहब, मैं झूठ नहीं बोलूंगा साहब। वो मरा मुझे बहुत अच्छा लगा, मेरे ही बाप का खून था लेकिन बहुत गंदा था साहब। कोलीवाड़ा के लोगों का कहना है तूने उसे जान से मारने की धमकी दी थी और कई बार जानलेवा हमले भी किए थे। हाँ साहब, लेकिन उसका जिम्मेदार भी वही था साहब, आहा के मेरी माँ को धमकाता था। अच्छी देख रही है, सड़ गई है अंदर से, मार्केट में कोई थोकता नहीं है इसके ऊपर। वैसे तू और तेरी बेटे की औकात इससे जास्ती नहीं है। मानता है तू है मेरे बाप की जिंदगी में, लेकिन बेमतलब। देख
लास्ट टाइम बोलता है मैं, समझा ले अपने बेटे को कि मेरे बाप के जायदाद की तरफ नजर नहीं उठाने का, वरना मेरा बेटा सिर्फ उसका हक मांग रहा है। नाजायज बेटे का कोई हक नहीं होता है। अरे समंदर जितनी जायदाद है पीताम्बर की, उसमें से अगर दो बूंद मेरे मनीष ने मांगा तो? गंदी नाली को समंदर में नहीं घुसने देगा मैं। मैंने तुझे जुबेला का ही हाड़। क्या बोली, क्या बोली? ये झगड़ा उसी दिन हुआ था जिस दिन प्रकाश की मौत हुई। हाँ साहब। और जब तुझे ये पता चला तो तूने उसे जान से मार डाला। नहीं साहब, मारना तो चाहता था लेकिन मार नहीं पाया, क्योंकि उसे मारने के लिए मैं वहां गया तो किसी और ने उसे पहले ही मार दिया था। साहब जब उसके घर वालों ने जुर्म कबूल कर लिया है तो साहब आप मेरे पे क्यों शक कर रहे हैं? बस करो, कितना पियोगे? ये छोड़, पीने दे मुझे। वही दादा प्लीज, अब प्रकाश दादा तो नहीं रहे, आप ही को पूरा घर संभालना। आप इस तरह दारू के नशे में धुत रहोगे तो प्लीज दादा संभाला सोता। कैसे संभालू मालती, मुझे डर लग रहा है। क्यों? निशा, पीताम्बर, हरीश, वैशाली, मनीष, इन सब के पास प्रकाश को मारने का मोटिव था। बाकी बचे चार में से किसी के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं था। और फिर प्रताप, आखिर ऐसी कौन सी बात थी जो प्रताप को खाए जा रही थी? प्रताप जो कल तक अपने बड़े भाई प्रकाश के लिए किसी की जान लेने तक को तैयार था, आखिर ऐसा क्या हो गया था कि आज वो अपने उसी भाई के कत्ल का संदिग्ध था? और निशा और वैशाली के बीच हुई बातें भी कहीं ना कहीं हरीश की ओर भी अंदेशा कर रही थी। आखिर असली गुनहगार कौन था? सर और एक आई विटनेस से पता चला है कि पीताम्बर उस वक्त किनारे पर ही था। तो दो इवेंट्स हो सकते हैं, पीताम्बर पहुंचा, झगड़ा चालू था और पीताम्बर ने प्रकाश को मार दिया और सब उसे बचाने की कोशिश कर, या फिर जब पीताम्बर पहुंचा तो इन चारों में से किसी एक ने प्रकाश को ऑलरेडी मार दिया था और पीताम्बर ने ये ड्रामा रचाया कि सबने मिलकर उसे मारा। हेलो, हाँ हम अभी बोलते हैं। साहब एक इन्फॉर्मेशन है। क्या? जिस दिन प्रकाश का खून हुआ था हरीश पूना में नहीं, यही वर्सोवा में था, वैशाली से मिला भी था। साहब अरे मीका, साहब मैंने किया क्या? साहब मैंने किया क्या? लेकिन वापिस कर, बसवा गाड़ी डाला। चल सर, अब बोल सर, तेरे नक्शे में पुणे कहाँ आता? वर्सोवा खाड़ी के पास? नहीं सर, दरअसल सच में मैं। देख अब झूठ मत बोलना, क्योंकि तेरा सारा कच्चा चिट्ठा हमारे पास है। अगर तूने अब झूठ बोला ना। सर उस दिन मैं वर्सोवा में ही था, लेकिन उस दिन मैं पूना सच में जाने वाला था। ये वैशाली ने मुझे फोन किया और बताया कि उसके बाबा मुझसे मिलना चाहते, इसलिए मुझे रुकना पड़ा उसकी जिद के कारण, प्रकाश को मारने के लिए, है ना? नहीं साहब, मैं प्रकाश को क्यों मारूं? मैं तो सिर्फ वहां पे पीताम्बर जी से मिलने गया था। और आप चाहे तो वो वैशाली से पूछ सकते हैं, तिकड़च होती साहब। देख जात के बाहर रिश्ता मेरे को भी पसंद नहीं है, लेकिन अरे अपना हिसाब तो एकदम सीधा साधा है। तू प्रकाश को पसंद नहीं है, इसलिए मैं तुम दोनों की शादी होते हुए देखना चाहता हूं। हाँ, मैं उस प्रकाश को हारता हुआ देखना चाहता हूं। तू एक काम कर, आज ही वैशाली को लेके भाग जा। और जब तेरी ये बात उससे हो रही थी, उस वक्त प्रकाश वहां आ गया, अनबन हो गई और ताव में आके तूने और पीताम्बर ने मिलके, या शायद सिर्फ तूने प्रकाश को जान से मार डाला। सर एक बात मैं आपको बता दूं, ना ही वह प्रकाश आया था और ना ही मैंने उसको मारा है, सिर्फ वह पीताम्बर जी से मिलने गया था। ठीक है जा, लेकिन वर्सोवा से बाहर मत।
तूने प्रकाश को मारा ना? साहब मैंने नहीं मारा, हम सब ने मिलकर मारा साहब। अच्छा तो वह बोट पे तावीज ढूंढने क्यों गया था? इसीलिए ताकि तुझ पे शक ना आए और तू पकड़ा ना जाए। तेरा पूरा परिवार मिलके पूरा नाटक कर रहा है सिर्फ तुझे बचाने के लिए, है ना? अब हम लोग कोई नाटक नहीं कर रहे साहब, सच बोल रहा हूँ। तेरे बेवड़े दोस्तों ने बताया उस दिन तेरा प्रकाश के साथ बहुत बड़ा झगड़ा हुआ, हुआ था कि नहीं? हुआ था साहब। किस बात पे? रुक जा, बोल रहा हूं मैं तुझे। देख क्या क्या मनीष के पैसे के दारू पीता तू? तेरे को देता है ना मैं पैसा दारू पीने के लिए, फिर भी तू कौन फलाया इसके सामने अपना ईमान बेचा? अरे आन बान नाम सान का कुछ है कि नहीं? अरे आन बान की तो तुम बात ही मत करो दादा, रहने तो मुंह मत करवाओ मेरा। अरे अपनों से तो वो पराये अच्छे हैं, पराये ने दारू के बदले कम से कम ईमान लूटा। मैं तो मेरी मेरे जमाने होता है तुम्हारे पास रहना। कल मुझे याद आया कि झगड़े के वक्त मेरा ताबीज वहां गिर गया था। मुझे लगा कि जब खून सबने मिलकर किया है और इस ताबीज की वजह से सिर्फ मैं अकेला ना फंस जाऊं, इसीलिए। अरे तुमने प्रताप की एक बात नोटिस की? ये अपनों को लूटने वाली बात का मतलब ढूंढना हो। अरे अपनों से तो वो पराये अच्छे हैं, पराये ने दारू के बदले कम से कम ईमान लूटा। तुमने तो देखना होगा कि प्रकाश ने प्रताप का ऐसा क्या लूटा, और जरा पता करो कि प्रताप मनीष के पास ही पैसे मांगने क्यों गया। कहीं मनीष और प्रताप ने मिल के प्रकाश को तो नहीं मारा? ओके सर। पुलिस को तेरे पे शक तो नहीं हुआ ना? शक होता तो छोड़ते नहीं थे मेरे को। साला खुद मर गया और हमारा टेंशन बढ़ा गया। मार्केट से लाखों रुपए उठाए थे और वो पैसे वसूल करने का जिम्मा भी मेरे ऊपर था। मैं पैसे मांगने गया तो अलग ही सुझाव दिया। बोलता हूँ मैं। क्या सुझाव दिया था प्रताप ने तुझे? साहब आप सुनोगे तो आप हिल जाओगे साहब। देख देख आई आप ये डॉक्टर है। क्या हुआ, कौन बीमार? नहीं वैसा कुछ नहीं साहब, वो प्रकाश की बीबी है ना मालती, उसके पेट में दर्द है। ओके कैरी ऑन, हमें निशा से मिलना है। निशा क्या तुम्हें पता था कि प्रकाश कर्जे के बदले में तुम्हें बेचना चाहता था? मनीष को उसने वैसा ऑफर भी दिया था? नहीं साहब। पक्का? हाँ साहब पक्का। निशा तुम्हारे कॉल रिकॉर्ड से कुछ और ही कह रहे हैं। जिस पार्टी से प्रकाश ने पैसे उठाए थे उससे तुमने फोन पे कई बार बात की। एक्सक्यूज मी डॉक्टर, ये मालती को क्या हुआ? अभी कुछ दिन पहले उसे कोई एक दवा जबरदस्ती पिलाई गई थी। कैसी दवाई? बेसिकली शी वॉज प्रेग्नेंट। कोई देहाती दवाई पिलाकर उसका अबॉर्शन कराया गया, लेकिन दवाई इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि उसके साइड इफेक्ट मालती आज भी भुगत रही है। मालती तुम्हारे साथ किसने जबरदस्ती की? नहीं साहब, मेरे साथ किसी ने जबरदस्ती नहीं की। वो तो मैं खुद ही बच्चा नहीं चाहती थी इसलिए। अच्छा कौन सी दवाई खाई थी, नाम क्या था दवाई? वो मुझे किसी ने ला के दी थी। किसने? मेरी किसी सहेली ने। कौन सी सहेली, नाम क्या है उसका? वो दरअसल मालती एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ। जानवर था वो साहब, उसकी हैवानियत आए दिन बढ़ती जा रही थी। प्रताप जानता था इस बारे में? वो साहब
वो सब जानता था। उसके सामने ही प्रकाश मेरे साथ जबरदस्ती करता था। फिर एक दिन मेरा पाव भारी हो गया। वो बच्चा प्रकाश का ही था। सर, मैं उसे जन्म देना चाहती थी, लेकिन प्रकाश नहीं चाहता था, इसलिए उसने मुझे जहरीली दवाई दे दी। और इसलिए तुमने प्रकाश को मारने का प्लानिंग किया, है ना? हो सर, लेकिन मैं अकेली नहीं थी उसमें, हम सब। हेलो, क्या? अरे चलो, मनीष, सर किसी ने मनीष का गला काटा है। इसे किसने मारा? सर मनीष का तो एक ही दुश्मन था, प्रकाश, लेकिन वो तो पहले से ही मर चुका है। सर मुझे लगता है इस गर्मा गर्मी के माहौल में मनीष के साथ किसी ने अपनी दुश्मनी निकाली है। मोबाइल मिला इसका? नहीं सर, कुछ नहीं मिला। अरे इसका मोबाइल ट्रेस करो, अगर कातिल ने मोबाइल चुराया तो उसे ढूंढने में आसानी हो। ओके सर। सर मनीष का फोन स्विच ऑफ आ रहा है, लेकिन एक बात है सर, क्राइम लोकेशन पर मनीष का फोन स्विच ऑफ होने के पहले उसे एक एमएमएस भेजा गया। एमएमएस? किसको? सर वैशाली को। वैशाली का पता नहीं साहब, लेकिन वो सुबह से गायब है। गायब है या गायब कर दिया? अरे उसके मोबाइल पे फोन करो। वैशाली तो नहीं है, लेकिन उसका मोबाइल मिला है। एमएमएस चेक करो। हो सा है, हमने मारा उसे। वैशाली लेके गई थी हमें वहां पर कि अपने दादा से हमारे लिए बात करेगी, लेकिन जब हम वहां पहुंचे तो मैंने देखा कि वो हैवान मेरे पति को मार रहा था। दादा, मेरे पर हाथ उठाती है, मुझे मारेगी तो? और तुमने क्यों मारा? साहब, क्योंकि सिर्फ मालती था ही नहीं, मैं भी उसका शिकार थी, इसीलिए तो मेरे माँ बाप के पास जाने से मुझे रोक रहा था, और बाद में मुझे बेचने पे तुला था। और पुलिस को बेवकूफ बनाने का आइडिया तुम्हारे दिमाग की पैदाइश हुआ है ना? क्या करता साहब, उसकी हैवानियत की सजा तो ये लोग भुगत रहे थे, और सजा कैसे दिलवा था, मगर वैशाली इसके खिलाफ थी। गलत है ये सब बाबा, दादा ने जुर्म किया इसलिए आपने भी जुर्म किया, और उसको छुपा के आप लोग एक और जुर्म कर रहे हो। नहीं, मैं ये सब पुलिस को बताऊंगी। बेटी, पुलिस के पास मत जाना, तेरी एक गलती सारे घर को उजाड़ सकती है। मैं तेरे पाँव पड़ता हूँ। पुलिस के पास मत जा बेटी, पुलिस के पास।
हमने वैशाली को समझाया, वो हमें साथ देने के लिए तैयार भी हो गई साहब। अब ये बताओ मनीष को क्यों मारा? ब्लैकमेल कर रहा था वो मैं। ये वीडियो तुम्हारे पास कैसे आया? मैं भी तो था उधर। देखो तुम्हें तुम्हें क्या चाहिए? बाबा को बोलना ये सारी बोट और मार्केट की पूरी जमीन मेरे नाम कर दो, मैं ये वीडियो डिलीट कर दूंगा। 3 दिन से पीछे पड़ा था, आज हमने सोचा कि बस खत्म ही करें। देखो बाबा तो नहीं मान रहे। ठीक है तो जाके सड़ो जेल में। लेकिन हम नहीं जानते थे कि वैशाली भी हमारे पीछे आई है। वैशाली देखना, हमारे पास कोई चारा नहीं था। वैशाली इसने हमारा वीडियो बनाया था, वो प्रकाश को मारते हुए ये हमें लूट रहा था। वैशाली आखिरी बार हमने किया हम सबकी भलाई के लिए, समझना। हाँ निशा साड़ी पे खून तेरी साड़ी में भी है, हमें इसे धोना होगा और ये कोयते को दरिया में फेंकते हैं। वैशाली तू इसका मोबाइल ले और मोबाइल में से वीडियो डिलीट कर। हाँ और घर जा, हम अभी आते हैं। वैशाली ने इस एमएमएस को डिलीट करने से पहले अपने आप को भेजा, शायद वो चाहती थी ये सच्चाई सबके सामने आए। तुम लोग ये बताओ क्या किया वैशाली के साथ? पुलिस ने वैशाली की तलाश की लेकिन उसका कुछ पता नहीं चला। कहां गई वैशाली? वैशाली की सच्चाई उसे कभी ना कभी पुलिस तक ले जाती। क्या इसी डर से नाखवा परिवार ने उसे भी मार दिया था? मालती और निशा को प्रकाश और मनीष के कत्ल के लिए और पीताम्बर और प्रताप को सबूत मिटाने और पुलिस को गुमराह करने के लिए सजा हुई। ये सभी इस वक्त न्यायिक हिरासत में है। ये सही है कि जुर्म सहना जुर्म को बढ़ावा देना होता है, जो कि यहाँ निशा और मालती के केस में हुआ, लेकिन जुर्म का जवाब जुर्म से देना इसे भी सही नहीं ठहराया जा सकता। अगर मालती और निशा अपने ऊपर हो रहे शारीरिक शोषण की शिकायत पहली बार में ही पुलिस को कर देती तो शायद ये नौबत ही नहीं आती। उनके परिवार का कोई भी सदस्य पुलिस को सूचित करके इसे रोक सकता था, लेकिन सही समय पर सही कदम ना उठाने का ये परिणाम है कि आज ये लोग जेल की सलाखों के पीछे हैं। ये बेहद जरूरी है कि अगर हम किसी भी तरह का अन्याय या जुर्म होता देखें तो उसके खिलाफ आवाज उठाएं और उसे वहीं रोकें, वरना ये कई जिंदगियां खराब कर सकता है। इसी विचार के साथ अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूँ। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100 सबक 1 को सीख हम सबको। जय हिंद। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।